कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में चार चिनूक हेलीकॉप्टर्स शामिल हो गए। आपको बता दें कि रविवार को गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर पहले बैच के तहत चार चिनूक हेलीकॉप्टर्स पहुंचे। गौरतलब है कि सितंबर 2015 में भारत और अमेरिकी सरकार के बीच 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए करार हुआ था। इसके बाद अगस्त 2017 में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय सेना के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 4,168 करोड़ रुपए की लागत से 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर 15 चिनूक भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। आपको बता दें भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में CH-47F चिनूक से जुड़ी खास बातें। मशीन ये आइकॉनिक ट्विन रोटोर चॉपर युद्ध में अपनी जरूरत को कई बार साबित कर चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक के युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर को 1962 में उड़ाया गया था और तब से अब तक इसकी मशीन में बड़े अपग्रेड हो चुके हैं। फिलहाल ये दुनिया के सबसे भारी लेफ्ट चॉपर में से एक है। क्या है इसका काम? ये विशाल हेलीकॉप्टर 9.6 टन तक कार्गो ले जा सकता है। इसमें भारी मशीनरी, आर्टिलरी बंदूकें और हाई अल्टीट्यूड वाले लाइट आर्म्ड व्हीकल्स शामिल हैं। खासड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशंस के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। चिनूक में काफी तेज गति है और यह घनी पहाड़ियों में आसानी से आ जा सकता है। सैन्य पोतों की आवाजाही से लेकर ये डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस जैसे मिशन में भी अपना काम अच्छी तरह से करता है। भारत के लिए CH-47F चिनूक के मायने। चिनूक के भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से न केवल सेना की क्षमता बढ़ेगी बल्कि कठिन रास्ते और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में भी इसका अहम योगदान रह सकता है। नॉर्थ ईस्ट में कई रोड प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से एक हैवी लिफ्ट चॉपर का इंतजार कर रहा है जिससे पहाड़ों और दुर्गम जगहों में साजो सामान और जरूरी मशीनों की आवाजाही हो सके। साथ ही चिनूक का इस्तेमाल भारत से लगती चीन पाकिस्तान की सीमा पर भी रक्षा जरूरतों में किया जाएगा।